हेलो, हेलो। जय माता की। जी जय माता दी, जय माता दी। अरे जी मैं आपको वीडियो देख रहा था, हाँ वो पंडो का सरकार शक्ति पूजन महाराज चल रहा था, मैं देख रहा था। तो हाँ मैं भी वैसे तो लूट गया हूँ वहां पे जाके। हाँ अच्छा मैं भी लूटा हुआ हूँ, रतलाम जिले से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अपना शुभ नाम क्या भैया? मेरा नाम नंद किशोर है, पाटीदार हूँ नंद किशोर पाटीदार। किस गांव से हैं? मैं, सोनगढ़ गांव से हूँ। अच्छा, सोनगढ़ गांव से। और तहसील क्या तहसील जावरा है, पिपलोदा लगती है मेरी, पहले जावरा थी अब पिपलोदा लगती और जिला? है, जिला रतलाम। हाँ रतलाम मध्य प्रदेश है। हाँ, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। तो क्या आपके साथ क्या हुआ? अरे सर मैं क्या बताऊं, अब बात करने में मुझे रोज आता है, मैं 50-50 हज़ार रुपया खर्च कर चुका हूँ पंडो कर जा जाके, मुझे आराम अभी भी नहीं मिला। हाँ तो मैं आपका वीडियो देख रहा था, अभी बात से हो रही थी कोई अपने मिलने वाला आपसे, अभी बात कर रहा था, मैं आपको वीडियो देखा, मैंने फोन नंबर आपका मिला उसमें से, तो जी हाँ मैं भी लूटा हुआ हूँ क्योंकि मैं गया वहाँ, देखा पर्ची 2100 की कटवाई, पंखे अच्छा, ये कब की बात है? नंबर है, ये कब की बात है? ये 2021 में गया था, 2022 वहीं लगा मुझे, 2 दिन बाद 2022 बैठ गया था वहां पे। मतलब दिसंबर के आसपास आप गए हैं 2021 हाँ में। लगभग लगभग मेरे पास जो सब प्रूफ है, पर्चियां भी है मेरे पास, 8 अमावस्या कर ली मैंने, हवन करवा दिया, सब अच्छा कुछ करवा दिया वहां पे, और कुल खर्चा हुआ 21,751 पर्चे मैंने हवन का जमा करवाया, जिसके अच्छा अच्छा बाद 3300 रुपया रामायण का करवाया, जिसके अच्छा बाद 3 नारियल बंधन, 100-100 रुपये वहाँ नारियल मिलते हैं, तो हाँ 3 नारियल बंधन करवाए, फिर अच्छा जो हवन करवाया वहाँ, हर बार वो नैवेद्य 3 दिन से मैं हवन में बैठा, हर बार वो भगवान के नैवेद्य लगाते तो हर बार बोलते कि इसमें दक्षिणा रखो, 10-10 रुपये से कम रखने नहीं देते हैं। तो 3 दिन का मैंने हवन करवाया तो 3,000 रुपये तो उस वो दक्षिणा में गया मेरे, एक मतलब एक दक्षिणा में कितनी लेते हैं? दक्षिणा वहाँ कम से कम 50 दुन्ने भोग लगाते हैं भगवान के, तो हाँ, हर हर दुन्ने में 10-10 रुपये रखवाते हैं अरे तो क्या। हाँ फिर तो 50, तो मतलब ये तो 50 × 10 मतलब 500 रुपए हो गए। 500 क्या मतलब, एक दिन का 1,000 रुपया हवन का, वो अच्छा दक्षिणा का मतलब वो दुनिया में रख, दुनिया में रखवाते ना भगवान के, तो हाँ एक दिन का मतलब 1,000 रुपया हम जो, अच्छा अच्छा फल फ्रूट अलग से, फल फल फूल अलग अलग से। हाँ फ्रूट वो चना अमृत वो सब पैसे, तो फूल 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 लो आपको पैसे लगते हैं वहां पर, उनके आदमी है सब, तो फूल लिया 85 करोड़, तो फूल का फूल वाला को दिया, हार लिया सब कुछ कर कर रहा, हाँ और लिया कोई बात नहीं गया, लेकिन अगर आराम नहीं मिला शरीर को फिर फायदा है क्या, हाँ फिर हमने पैसे इसलिए तो लगाए कि भैया हमें लाभ मिल जाए। मतलब मैं शुरू बार मिला कमरे में मिला, दरबार में मिलना चाह नहीं मिला तो कमरे में मिला, अच्छा, लिख के कमरे बता दिया में मिलने का क्या, कितना पैसा लिया उन्होंने? कमरे में मिलने का पैसा लिया होगा ना? पैसे 2100 रुपये रसीद कटवाई थी सर। 2100 रुपये? हाँ अच्छा, 2100 रुपये में कमरे में मिलने का मिल गया था। मिल गए थे तो लिख के बता दिया, तो मुझे वो मेरे थोड़ा विश्वास हो गया था कि यार चलो अपने दादाजी का नाम बता दिया, तो हाँ यार अपने शरीर पे आ रहे हैं वो तो क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बता दिया तो मुझे विश्वास हो गया, तो हाँ सर तो वो रखते हैं वो कि तुम ये विधि करवाओगे तो आराम मिलेगा, तो अपने को विधि करवाना तो आराम मिलेगा, मैंने कहा चलो यार अपने विधि करवाएंगे तो आराम मिलेगा, हाँ तो मैंने विधि वो हवन का ना वो सब गुलाब मतलब 50-55 हज़ार रुपया खर्चा कर दिया। अच्छा, आपको तकलीफ क्या थी? मुझे शरीर पर शक्ति कोई आती है बोलती नहीं है, परेशान करती है। अच्छा, हाँ तो उसके अभी लिए फिर आप वहां गए और उन्होंने आपसे मिला और बताया भी होगा। हाँ बता तो दिया कि आपके वो तुम्हारे पूर्वज आ रहे हैं, पितर आ रहे हैं, तो मुझे विश्वास हो गया कि अगर अपने पूर्वज पितर है तो आ रहे हैं, तो अपना छोटे मोटे झाड़ फूंक वालों ने बता दिया था, मेरे गांव के आसपास वालों ने, तो हाँ यहाँ से समस्या नहीं हल, मैं यूट्यूब देख के वहां पहुंच गया, हाँ वहां देखा तो उन्होंने वो बता दिया, तो मुझे विश्वास हो गया कि नहीं यार अपना काम हो जाएगा, तो हाँ मैं मिला, मिलने के बाद उन्होंने वो पर्ची पे लिख दिया कि आपको इतना हवन करवाना पड़ेगा, ऐसा करवाना पड़ेगा, मैं चलो यार कि आपके क्रिया करवाने पर, मैंने सोचा कि यार अपने पितरों का मोक्ष हो जाएगा हाँ तो अपना अपना शरीर छोड़ देगा, जी तो मैं इस हिसाब से गुरुदेव मैंने हवन करवाया, मतलब कुछ
खुद दिल से करवाना, आज दिन तक मुझे कोई समाधान मिला ही नहीं। अच्छा, वहाँ कई बार गए हैं आप? मैं 8 बार गया वहाँ पे। 8 बार? 8 बार दोनों पत्नी पत्नी जाते हैं, आने जाने का मतलब 3000 रुपया खर्चा हुआ। 8 बार गया, 8 बार तो वो खर्चा तो अलग है मेरा आने जाने का। अच्छा, और वहाँ का खर्चा ये है, मतलब आप बिल लोगे 7,000 मैंने वहाँ जमा करवाए। कितना कितना? 21,791 हवन का जमा करवाए। अच्छा, हवन का 21,791 रुपए? हाँ। अच्छा। और 3300 रुपया रामायण के। 2100 रुपए रामायण के। 3,300। 3,300, 3300। हाँ हाँ। और 3 नारियल करवा 300 रुपए वो दिए। ठीक है ना। और मतलब वहाँ मतलब वो करवा, जिसके बाद हवन करवाया तो 3,000 रुपए रोज का पर डे, 1,000 रुपए रोज का खर्चा हवन का। अच्छा, 1,000 रुपए हवन का खर्चा। वहाँ वो जो उनके है ना पंडित लोग, हाँ, वो बोलते हैं दक्षिणा कम मत चढ़ाना, तो मैं ये लगेगा नहीं, 1 रुपया लगाना मत, 10 रुपया रखना इसमें। अच्छा, तो 10 रुपये हर में रखना पड़ता उसमें। अरे बापरे, तो बहुत लंबा मामला है। बहुत लंबा है, मतलब अच्छा लंबा मामला सर, वो कोई बात नहीं, वो परेशानी अगर मैं अच्छा हो जाता तो बोले कोई वो दिक्कत नहीं थी कि चलो दान में जा रहा है, मैं अच्छा नहीं हुआ। नहीं, वो तो देखिए, अगर आप सही हो जाते तो डॉक्टर के यहाँ भी लाखों रुपए लग जाता है, 21,051 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पर अगर हम आप सही नहीं हो रहे हैं और इतने 8 चक्कर आपने लगाए, 8 नहीं 10, मतलब 7 अमावस्या की मैंने, वो बोलते हैं 7 अमावस्या करोगे तुम्हारा काम होगा, मैं 7 पर्ची कटवे 100 रुपये की। अच्छा, तो 7 अमावस्या मतलब 7 महीने तक चक्कर लगाए हैं? 7 महीने लगातार एक भी अमावस्या खंडित नहीं की। बाप रे, और इसके बाद भी लाभ के नाम से बिल्कुल जीरो है? कुछ भी जीरो हूँ, अभी घर में बैठा हूँ मैं। तो फिर तो बहुत बड़ा ठगी हो गई। तब क्या करो, क्या लड़ सकता नहीं। और वो वहाँ कोई सही बताते नहीं, वो उनके वो ना वो कार्यकर्ता, वो कोई राह नहीं बताते, बाधा बात कर बर चुप हो जाओ। वो एक वो है ना, वो सोनू महाराज, वो सोचता है अपना अपना ही है ये पूरा गांव, अपना ही चला अपने चला रहे हैं वो सोनू महाराज। उनके साला को है, उनके भाई है सोनू महाराज तो उनका, वो साला मैंने सुना को साला है, साला है। हाँ, अच्छा, तो फिर कोई दूसरे थे, उन्होंने बताया था कि सोनू महाराज उनका भाई है? नहीं नहीं, एक सॉरी सर, वो साला वो जीजा है गुरुओं का। अच्छा, हाँ, वो इनकी बहन है क्या, मैं लोग थामा से मुझे पता लगा। हाँ, कि ये इनके जीजा है सोनू महाराज। सोनू महाराज जीजा है, तो मतलब फिर भाई का भी नाम सोनू है और जीजा का भी नाम सोनू है। खैर, वो राम नाम है उसका, राम भाई का तो राम नाम है। अच्छा, हाँ, उनका छोटा भाई है ना। हाँ, उनको राम कह के बुलाते हैं वो। अच्छा, छोटा भाई को राम कह के बुलाते हैं और उनको जीजा जो सोनू नाम है। सोनू नाम है, सोनू महाराज। सोनू महाराज, अच्छा ऐसा है, तो फिर इसका मतलब है सबको सही जानकारी भी नहीं देते हैं। सही ने मेरा जानकारी वहां रखे, मैंने निकाली, मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं करते हैं उनके, ये वो अपने वो गाँव वाले भी लिए वहाँ पे। हाँ, वो गाँव वाले ने कार्यकर्ता सब बाहर के कार्यकर्ता है। अच्छा, गाँव के एक भी नहीं है? गांव के नहीं है, कोई ग्वालियर का है तो कोई भोपाल का है, तो ऐसे करके है वहाँ पे, गांव का तो है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, क्या तो आपने गांव वालों से नहीं बात किया कि ये लोग क्या करते हैं? ये मुझे तो अच्छा होना था तो मैं क्या बात करूँ। हाँ, वहाँ तो अपन सही होने गए थे, कोई वहाँ के देख रेख लिए थोड़े गए थे। हाँ, अपने तो सही होने गए थे। तो ये तो मतलब 7 महीने तक आपको बहुत लंबे समय तक जाना पड़ा, ये तो बहुत ज्यादा है, तो फ्रॉड की कहानी हो गई। वहाँ सर बोलते हैं कि 7 अमावस्या करोगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। अच्छा। तो मैंने विश्वास किया कि यार 7 अमावस्या लगातार कर लो तो अपना अपना शरीर अच्छा हो जाएगा। और रुकने को नहीं, क्या व्यवस्था है रुकने की? तुम्हारा किराया से वो गद्दा 30 रुपया गद्दा का लेता है रात को। अच्छा, अगर बाहर सोगे तो बांडल में सोगे तो 100 रुपया एक टिकट का लगता है। अच्छा, किसमें सोगे? 100 रुपये किसका? वो जो पंडाल बना रखा ना, पक्का। अच्छा, बिल्डिंग। अच्छा, नीचे। हाल तो हाँ। उसमें 100 रुपये लगते हैं एक सवारी के। ठीक है, और अगर आप केवल गद्दा लेते हैं तो 30 रुपये? 30 रुपये। रूम वगैरह है क्या वहाँ? रूम तो VIP लोग लेते हैं, अपना क्या औकात है, वहाँ 1500-2000 का रूम मिलते हैं। अच्छा, 1500-2000 का, तो हाँ सही है। हाँ। भाई हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे काम चला लेंगे।
हाँ तो हम नीचे भी चार बार गया तो मैं तो मंदिर पे वैसे साइड में सो के निकाल ली रात, खाली तीन बार मैं सर्दी में गया था ना, उस टाइम पे मैंने वो हाल में सोया था। अच्छा, और खाने की व्यवस्था क्या रहती है? और हाल की वो 100 रुपया लेते हैं एक रात का। नहीं नहीं खाने का, खाने का, खाने का तो वहाँ क्या हमारे उधर तो ऐसा चलता नहीं है, क्योंकि हमारा तो रिफंड चलता है उधर, वो तो डालडा घी है, अच्छा वो डालडा घी में पूरी निकलती है, वो भंडारा बोलते हैं। हाँ तो खाली पूरी और वो आलू की सब्जी, शाम को वो ना सुबह में चावल और दाल। अच्छा, सुबह दाल चावल, शाम को पूरी सब्जी। हाँ पूरी सब्जी, उसका कोई पैसा नहीं लगता? उनका पैसा लगता है, और साइड में खाना है तो दुकान उनकी है, 60 से 70 रुपया थाली का लगता है, 5 रोटी देते हैं। अच्छा, मतलब उन्हीं की दुकानें हैं क्या? उन्हीं की दुकान, मिलने वाले की दुकान है, वो सब बाहर का मतलब, और गांव का कोई नहीं, सब बाहर का है, वो सब बाहर। अच्छा अच्छा तो मतलब उन्होंने ही दुकानें दे रखी हैं। हाँ तो वो उसका 70 रुपये लेते होंगे एक थाली का। 70 रुपये थाली का। ये तो आपके साथ सही सही बहुत गलत हुआ है, और हम आपकी पूरा सहयोग करेंगे, हम आपसे थोड़ा सहयोग चाहेंगे। बोलो आप। देखिए, आपके साथ जब इतना गलत हुआ है तो आप थोड़े हैं, आपके साथ तो बहुत लोग हैं जिनके साथ रोज ही गलत हो रहा है। तो मैंने उस पर्ची में लिख के बताया कि आप 2024 तक आरंभ हो जाएगा। अच्छा क्या बोलो, 2024 तक फिर डबल मिलो, 2100 की पर्ची फिर कटवाओ या 7000 जो भी कटवाओ, तो फिर बात करो। तो फिर रामायण, अच्छा पर्ची डबल कटवाई थी मैंने, एक 2100 कटवाई थी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने एक पर्ची मेरे घर वाले के नाम से कटवाई, मैंने तू कटवा ले एक। हाँ। वो मिले तो उसी में रामायण और 3 दिन का हवन और रामायण और तेजो उसी में वो लिख दिया। हाँ। मैं मेरे से लिख दिया तो उनका जमा करो, उनकी मेरे जमा करो, कुल मेरा कितने जमा कराऊ, कितने जमा करो, मतलब वो तो बात बात पे लिख रहे हैं। बात बात मतलब कौन सी बीमारी हो क्या भी हो, उनको तो हवन क्योंकि 2100 पर्ची कटवाई तो हवन का लिख दिया, बड़ी पर्ची है 51,000 की, तो उनको हाथों हाथ काम करके भेज दिए, उनका हवन नहीं अपने हवन करवाना, क्योंकि इस जहाज से लेना है, मतलब 2100 कम पड़ गए तो हवन के नाम से ले लें, आपसे पैसा ज्यादा लेना है। हाँ अच्छा, तो इसकी रसीदें तो अपने पास होंगी सब? रसीदें है ना मेरे पास, तो सब 7 अमावस्या की वो रसीद है, वो लिख के दिया, वो रसीद है। तो हम आपसे एक इजाजत चाहेंगे कि आप चाहेंगे कि लोग ना लुटे वहां से? हाँ मैं यही चाहता हूँ, लूट ना, मैं भी लूट गया, मैं लूट गया जो लूट गया। हाँ पर दूसरे ना लूटे, तो उसके लिए क्या जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है तो उसकी मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ? डाल दो, मुझे कोई डर नहीं है मरने के, मरना तो ही एक दिन। अरे किसी की औकात नहीं होती किसी को मार दे, क्या जो व्यक्ति ऐसे लूट रहा है तो वो क्या मारेगा? सर मैं बहुत गरीब आदमी को लखपति नहीं हूँ, मैं मजदूर, छोटी मोटी जमीन है, 4-5 बीघा खेती करता हूँ, लेकिन परेशान होकर मैं यूट्यूब पे गिर गया वहाँ पे। तो आप ऐसा करें, आप अपनी एक फोटो और जो जितनी भी रसीदें हैं, हाँ सभी रसीद मुझे आप इसी व्हाट्सएप में भेज देंगे? तो इसी नंबर पे आएंगे? हाँ इसी नंबर पे, इसी तो इसी नंबर पे आप सारी फोटो, मतलब आपकी फोटो एक ठो, और आप मैसेज की नहीं भेजना ना भेजिएगा, अपनी भर भेज दीजिएगा, और वो क्या नाम जितनी रसीदें हैं हाँ वो भेज दीजिए, मैं एक वीडियो बना के डालता हूँ, क्योंकि बहुत लोग आ लुटे हैं, मतलब मैं सुनता हूँ तो सर में दर्द हो जाता है, इतनी तकलीफ होती है कि समझ में नहीं आता। अरे सर मैं गरीब आदमी, मैं बहुत लूट गया वहाँ पे, क्योंकि विश्वास हो गया था कि यार अपना अच्छे हो जाएगा। अरे पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन गरीब तो नहीं लूट सकते कि आपने लूट गया बेचारे बहुत तो बचेंगे, जितने हैं वो तो वही बच जाए, वो उनके लिए तो कोशिश अपन कर सकते हैं। बट वही तो बात है, वहाँ तो कोई बात अपना वो वहाँ समझ तक अपना बात की जागीर ही है जैसे। अरे वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है, आप इतनी चीजें भेजिए, और सुबह से मेरे पास कई फोन आए हैं और कई लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैंने सबसे मंगाया और सबकी वीडियो बना बना के डालते तो लोगों तक पहुंचेगी, तो कम से कम वही लूटना बंद कम होगा। हाँ और ये जब ज्यादा लोग हो जाएंगे ना तो फिर इनको इनके ऊपर भी प्रशासन से भी कहेंगे कि ये रोक लगवाएं। हाँ ये बात सही है, क्योंकि देखिए अभी एक व्यक्ति तो कहेगा तो कोई नहीं सुनेगा ना, पर जब 50-100 लोग हम वीडियो डालेंगे इसके बाद प्रशासन से कहेंगे देखिए 50-100 लोग पीड़ित है, जब इतना गलत हो रहा है तो भाई प्रशासन भी संज्ञान में ले। सही है, तो इसके लिए आप मुझे आप भेज दीजिए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम BS चौहान है।
B.S. चौहान। हाँ, और जो वीडियो देखी होगी उसमें भी मेरा नाम लिखा होगा। हाँ, B.S. चौहान है। जी जी, चौहान, ठीक है सर। और आपका नाम तो आपने बताया है, अभी क्या बताया था? नंदकिशोर। नंदकिशोर जी, आप ये भेज दीजिए मुझे। आप ये मानिए कि आप जैसे दिलेर लोग अगर साथ आएंगे तभी काम बनेगा। चलो ठीक है। हाँ, आप इसी नंबर पे मुझे भेजिए। ठीक है ठीक है, मैं नंबर लिख लिया है जी। ठीक है। हाँ, जय माता दी। जय माता दी।